क्वेश्चन नंबर 16 देख रहा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी से 99,000 का एसेट परचेज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 जर्नल ऑफ अ कंपनी, जर्नल ऑफ अ कंपनी, ठीक है। एक कंपनी क्या कर रहा है, दूसरे कंपनी से एसेट्स परचेज कर रहा है, संपत्तियां खरीद रहा है, ठीक है। कितने का, 99,000 रुपए का, 99,000 रुपए का। तो फर्स्ट एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रही है, नाम नहीं दिया है, दूसरी कंपनी बोला है, तो उसको हम लोग लेते हैं वेंडर कंपनी। दूसरी कंपनी का नाम नहीं पता तो उसको लिखते हैं वेंडर, विक्रेता कंपनी, वेंडर्स कंपनी। अब इतने लिखोगे, अगर ये एस लगाओगे तो यहां पर अकाउंट लिखोगे, कितने का खरीदे बेटा, 99,000 रुपीज, 99,000 रुपीज का हमने परचेज किया। बीइंग सन्ड्री एसेट, एसेट्स का नाम नहीं पता इसलिए लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स परचेज्ड, सन्ड्री एसेट्स परचेज। पॉइंट नंबर टू, आपने अब खरीदा है एसेट्स तो बदले में आप पेमेंट करोगे, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए यहां पे दो ऑप्शन पूछा आपको, सब मूल्य पर और प्रीमियम पर, इंग्लिश में एट पार एट प्रीमियम, ठीक है। जब एट पार होता है तो सिंपल सा पेमेंट कर दो आप, एट पार की सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे कॉलम के अंदर ही लिख दो आप यहां पर एट पार, एट पार लिखिए, इसके नीचे एंट्री कर दो, ठीक है। वेंडर्स, वेंडर्स कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट करना है, 99,000 रुपीज पेमेंट करना है, किसको, वेंडर को, जिससे हमने खरीदा उसको पेमेंट करना है। हमको क्या दे रहे बेटा, 11% वाला डिबेंचर दे रहे हैं, टू 11% डिबेंचर अकाउंट। जब हमारे पास एसेट्स आया तो डेबिट, डिबेंचर जा रहा है तो क्रेडिट, हो गया सिंपल सा रूल। बीइंग डिबेंचर इशूड फॉर कंसीडरेशन, बीइंग डिबेंचर इशूड फॉर कंसीडरेशन एट पार, सम मूल्य पर, एट पार का मतलब है सम मूल्य पर, हमने डिबेंचर इशू किया किसके बदले बेटा, हमने एसेट्स परचेज किया है उसके बदले में डिबेंचर क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग कोई चीज खरीदते हैं किराने की शॉप से तो बदले में क्या देते हैं, पेमेंट देते हैं ना, वैसे ही कंपनी क्या कर रही है, एसेट्स खरीदी के बदले में अपनी कंपनी का डिबेंचर दे रही है पैसे के बदले, ठीक है। ये हो गया एट पास। बी पॉइंट एट 10% प्रीमियम, या एट प्रीमियम भी लिख सकते हो आप। एट प्रीमियम में जनरल एंट्री कैसे होगी हमारी, सेम वे वेंडर कंपनी को हम लोग डिबेंचर दे रहे हैं बट प्रीमियम पे दे रहे ना, तो वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट करना है बेटा, 99,000 रुपीज पेमेंट करना है, कितना, 99,000 रुपीज, 99,000 हमको पेमेंट करना है, ठीक है। इस 99,000 के बदले, 99,000 के बदले हम लोग 11% ऑफ डिबेंचर को दे रहे हैं, टू 11% डिबेंचर अकाउंट, और डिबेंचर को दे रहे हैं हम लोग प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बीइंग सेम लिखना, डिबेंचर इशू फॉर कंसीडरेशन एट पार, एट पार की जगह आ जाएगा एट प्रीमियम, प्रीमियम पर इशू करें, पर डिबेंचर कितने का दिया बेटा पता नहीं, प्रीमियम कितना है अभी पता नहीं, ठीक है, इसको भी निकालना पड़ेगा, इसका अमाउंट निकालने के लिए हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि कितने का डिबेंचर इशू किए, क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इसके लिए बनाना पड़ेगा हमको वर्किंग नोट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट, या फिर मैं एक काम करता हूँ बाजू में बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ बाजू में वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, ठीक है। पॉइंट नंबर, यहां जैसे ए और बी है तो वही देखिए बनाता हूं मैं, ए और बी, ठीक है, ए नंबर ऑफ डिबेंचर, वीडियो में आ रहा है, आ रहा है, नंबर ऑफ डिबेंचर, कितना डिबेंचर हम लोग दिए बेटा, नंबर ए पॉइंट क्या था बेटा, ए पॉइंट है एट पार, एट पार, ये हमारा हेडिंग एट पार, कितना पेमेंट करना है, 99,000 रुपीज डिवाइड बाय, एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज वाला, क्वेश्चन में दिया 100 रुपए वाला डिबेंचर, इसको से डिवाइड करोगे तो आएगा
9,990 डिवेंचर, 990 डिवेंचर, ठीक है, 2020 कट गया, 990 आ गया। अगर वही अगर प्रीमियम पे होता तो थोड़ा सा वीडियो बदल कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर बी एट 10% प्रीमियम, डिवेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम, तो नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू कितना पेमेंट करना बेटा, 99,000 रुपीज डिवाइड बाई, एक डिवेंचर कितने का है, एक डिवेंचर है 100 रुपीज का, ठीक है, 99,000 पेमेंट करना, एक डिवेंचर 100 रुपीज का है, यहां पे भी था बट इसमें 10% क्या है, प्रीमियम है, 100 का 10% निकालोगे तो 10 रुपए आएगा, ठीक है, तो 99,000 रुपीज डिवाइड बाई 110,000 कटा, 11 9 11 कम 11, 11 नियम 99, 20 का 20, 900 ऋण पत्र आया, 900 डिवेंचर, ठीक है, जो भी है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना आएगा बेटा, कितना आया आपका ये 900 डिवेंचर, तो 900 इंटू 100 कर दो, वही 900 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो डिवेंचर में, अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रीमियम में, 900 इंटू 10 तो जाएगा 90,000 और ये 9,000, 90 और 9,000 टोटल हो जाएगा 99,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा प्रीमियम वाला एंट्री कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया।